हमारी मांग यही थी कि उसको फांसी की सजा हो जी, फांसी हो उसको, ताकि वो दूसरा दरिंदा ना तैयार हो उस तरह से। चलिए बुलडोजर चलना भी चाहिए, साफ चाहिए और हमारे बच्चा फांसी चाहिए। आप चाहती हैं क्योंकि घर पे बुलडोजर भी चले? बात यही, हम लोगों ने उनसे न्याय की मदद मांगी है, उन्होंने कहा पूरी तरह न्याय होगी, आपकी आपके साथ पूरा इंसाफ होगा। जी जी, अब क्या आप लोग की मांगे थी, क्या कहा था? दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई है, तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे यही थी कि उसको फांसी की सजा हो जी, फांसी हो उसको, ताकि वो दूसरा दरिंदा ना तैयार हो उस तरह से, जिस तरह वहाँ पे। अब हमको सीएम ने इस बुरे मामले में संज्ञान लिया, आप लोग मुलाकात हुई, तो कोई खास मांग थी आप लोगों की क्या? नहीं, कोई जो वहाँ थी वही वो यहाँ भी है। आप चाहते हैं कि आरोपी को कड़ी सभी सजा हो? जी। क्या सजा चाहते हैं आप लोग? ऐसी सजा हो कि दोबारा कोई दरिंदा इस तरह तैयार ना हो। आप लोग चाहते हैं कि बुलडोजर चले उनके घरों पे? कल बिल्कुल चले बुलडोजर, चलना भी चाहिए। क्या चाहती हैं बच्चे की, अपने बच्चे के क्या इंसाफ चाहिए आपको? क्या मुख्यमंत्री से क्या मांग की आपने? इंसाफ चाहिए और हमारे बच्चा फांसी चाहिए। आप चाहती हैं क्योंकि घर पे बुलडोजर भी चले? हाँ, बुलडोजर भी चले। मुख्यमंत्री से आपने बताया बड़ी बातें? हाँ बता के। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? कार्रवाई होगी। हाँ, कहीं कार्रवाई, सीएम ने कहा कि पूरी कार्रवाई होगी। हाँ, तो ये परिवार जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री आवास पहुंचा हुआ था, और फैमिली कहना है कि इस पूरे मामले पर उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि पूरे मामले में जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, की मांग है कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा हो, उनके घर पे ही बुलडोजर चले, ऐसी कार्रवाई हो कि एक नजीर बने, ताकि फिर कोई किसी नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी गलत हरकत करने की सोच भी न सके। अयोध्या में जो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी पीड़ित परिवार को लेकर, उसकी फैमिली को लेकर वहां के बीकापुर के विधायक अमित सिंह चौहान जो है वो आज सीएम से मिलने पहुंचे थे। हमारे साथ अमित सिंह है इस वक्त। आपने जो विक्टिम फैमिली है, पीड़िता परिवार है, उसकी माँ को लेकर आप आए थे सीएम से मुलाकात की, आपने क्या कुछ बातें हुई आप लोग की सीएम से? देखिए, आज हम हमारी विधानसभा बीकापुर के अंतर्गत नगर पंचायत बदरसा भरतकुंड की निवासी, जिसके साथ कुछ दिन पहले दुष्कर्म हुआ था, महाराज जी ने आज उसकी मां से मुलाकात की और आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेगी, और इसके साथ साथ महाराज जी ने उदारता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को उसको आर्थिक सहायता दिलाने के लिए भी निर्देश किया, और महाराज जी ने आश्वस्त किया कि जो भी इसमें अपराधी होंगे, कोई भी हो, किसी दल का हो, वो छोड़ा नहीं जाएगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने भयमुक्त वातावरण बनाया, जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही, उसी के तहत हमारी विधानसभा में जो एक कृत्य हुआ, ये दुष्कर्म हुआ, इसकी पूरी रूप से जांच की जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी, और कोई भी होगा उसको, जो पीड़ित होगा उसको न्याय मिलेगा, और अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, यही महाराज जी ने हम लोगों को कहा। कल हम भी गए थे पीड़ित परिवार के यहाँ, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आरोपी है बहुत रसूखदार है, जो मौजूदा सांसद है उनके बहुत करीबी, उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, आरोपी आरोपी होता है, आरोपी किसी दल का हो, कोई भी हो, महाराज जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि आरोपी आरोपी होता है, और जो भी आरोपी होगा इस प्रदेश में, किसी ने भी कोई भी गड़बड़ काम किए होंगे, उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई उचित होगी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, और कर भी रही है। और हमारी विधानसभा में जो ये घटना हुई, महाराज जी ने उसको संज्ञान लेते हुए कल विधानसभा में भी बोला, और उनके निर्देश पे उसके ऊपर जो भी उस पर अपराधी उस पर कार्रवाई भी हो रही है, और साथ ही आज पीड़िता के परिवार भी महाराज जी ने मिला और उनको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, इसके साथ साथ उसको आर्थिक सहायता देने के लिए भी कहा, आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। पीड़ित परिवार कह रहा था कि जो है बुलडोजर चलना चाहिए ऐसे माफियाओं के खिलाफ जो इतने बड़े रसूखदार हों और बच्चे के साथ इतने दिन तक बलात्कार करते रहे, ब्लैकमेल भी किया, वीडियो भी बनाया, तो क्या ऐसी कोई कार्रवाई होगी क्या बताया? देखिए, महाराज जी ने कहा जो भी उचित कार्रवाई होगी वो महाराज जी ने निर्देशित किया, वो पूरी कार्रवाई होगी, महाराज जी ने आश्वस्त किया, परिवार संतुष्ट होके जा रहा है, और कोई बात नहीं, महाराज उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार निरंतर कानून व्यवस्था, उचित कानून व्यवस्था लागू किए हुए है। हमारी विधानसभा में महाराज जी ने उन्होंने आश्वस्त किया परिवार को कि जो भी होगा इसमें अपराधी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जो पीड़ित परिवार है वो आज उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, और उनका साफ कहना है कि सीएम ने उन्हें भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, आरोपी कोई भी हो, किसी भी कीमत पर वो बच नहीं पाएगा।